हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों अब सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो दोस्तों अब जो है किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए जिससे कि आप हिंदी में जो है 95 नंबर तक आप आसानी से बिल्कुल ला सके, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले सभी छात्रों के लिए, और जो तरीका बताएंगे और मात्र 2 दिन में आपको बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ करके जाकर एग्जाम आपको दे देना है, आपसे सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर इस विधि से आप नहीं करते हैं तो आपके कुछ न कुछ चीजें जो है आपसे छूट जाएंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना शुरू करेंगे और इसी तरीके से 2 दिन में जितने भी समय 2 दिन का बचा हुआ है आज और कल के लिए, तो आपको इसी तरीके से आपको तैयारी अब कर लेनी है और आपका क्लियर हो जाएगा और हिंदी में 2 दिन में भी आप जो है जबरदस्त नंबर ला सकते हैं। तो एक बार दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए आप उसे पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम एक आपके पेपर के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए, तो अगर बात करें तो क्वेश्चन 1 से लेकर 14 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको ये देखना है 2 दिन में कि कौन कौन से टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, कौन कौन से आपके टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसको हम जो है यहाँ पर हम जो है एक पेपर के माध्यम से आपको बात करें, क्योंकि पेपर तो ऐसे ही पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर देखते हुए बढ़ना है कि क्या हमारा ये तैयार है कि नहीं। पहली बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें खंड कम से शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये हिंदी गद्य साहित्य के विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी गद्य साहित्य के विकास से अगर आप क्वेश्चन बैंक है आप सभी के लिए, तो आप जो है 2018 या 17 से लेकर के 22 तक को तैयार करिएगा। बाकी ध्यान सुनिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो ये है और एक क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके हिंदी पद्य साहित्य के विकास से, ठीक है। इस पर हम एक एक वीडियो बैक टू बैक आज ही लेकर के आने वाले हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। दो नंबर पहला और दूसरा क्वेश्चन जो आपका तैयार हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं कक्षा 10 वाले छात्रों के लिए, तो कक्षा 10 वाले छात्र ध्यान देंगे कि उनका जो है 20 अंक का क्या है बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 20 अंक का बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, तो बहुविकल्पी को आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिसमें कि आपके हिंदी पद्य और गद्य साहित्य का विकास से क्वेश्चन रहेगा। साथ में दोस्तों आपके वचन विभक्ति से भी क्वेश्चन रहेगा, अलंकार से भी क्वेश्चन रहेगा, समाज से भी क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएगा। अगर यूं कहें तो आपके हिंदी व्याकरण जो है, ठीक है, हिंदी व्याकरण से सभी क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे 20 अंक में, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अब शुरू हो जाता है सेम पैटर्न आपका कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले छात्रों का, ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपसे पूछेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न के प्रश्नों के आपको उत्तर देना, इसी तरीके से हाई स्कूल में भी दिया रहेगा। यहां पर दोस्तों कक्षा 12 में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और कक्षा 10 में जो है आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 हमसे हमें पेपर में पूछेगा, तो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तैयार है या फिर नहीं है। तो हिंदी गद्य ये जो बुक से क्वेश्चन है, तो बुक का ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट बता दिया है। अब आपको अगर नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा आपको काम करना है, 2018 से लेकर के 22 तक के गद्य को आपको पढ़ करके उसको देख लेना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया, आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को इस तरीके से आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में पद्यांश आपसे पूछेगा, कोई पद्यांश दिया रहेगा, वही 5 क्वेश्चन आंसर यहाँ पर भी पूछेगा। इसी तरीके से दोस्तों हाई स्कूल वाले बच्चों में भी है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पद्यांश में भी आपको हमने क्या बताया, आपको क्वेश्चन बैंक से 2018 से 22 तक के क्वेश्चन को देख लेने, और इस पर भी हमने वीडियो बना चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को अभी तक नहीं देखे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो भेज देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर मैसेज कर दीजिए, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं वो वीडियो हम भेज देंगे, जो इंपॉर्टेंट बता देते हैं वो आप तैयार कर लीजिएगा, हिंदी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों 2 दिन में आपका जो अगर पद्यांश तैयार नहीं, तो पद्यांश को क्वेश्चन नंबर 4 के तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो अब देखिएगा, अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं छूटेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी अगर आप इस तरीके से देख लेते हैं कि चौथा में भी अगर आएगा तो हम कर लेंगे, तो चौथा भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए पांचवा के क और ख में जो है आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको क्या पूछा जाएगा,
लेखक और कवि का जीवन परिचय। तो दोस्तों आपके सिलेबस में पांच चार यहाँ पर तीन आप तैयार कर लीजिएगा, एक कम करके आप तैयार कर लीजिएगा जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए, ये क्लियर होता है। तो उम्मीद है आप सभी ने जीवन परिचय तैयार कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर पांच और ये कवि का जीवन परिचय भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांच में तो यही पूछेगा, तो आपको तो ये तैयार होना चाहिए। अगर ये नहीं तैयार करते तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। इसी तरीके से कक्षा 10 वाले भी बच्चों के लिए बात करें तो उनके में भी आपके कवि और लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये तो आप सभी का ही तैयार हो गया होगा। इसमें तीन ही कहानी है, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, बहादुर, तीन कहानी में से कोई दो कहानी दिया रहेगा उसका सारांश लिखा है, ये भी आप लोगों का तैयार हो गया होगा। पांच अंक का ये क्वेश्चन है, 80 शब्दों में लिखना है, ये भी आप सभी का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से कक्षा 10 वाले भी छात्रों में अगर बात करें तो दिया रहता है। इसका दोस्तों यहां देखेंगे आपके स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इसे बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूजन है, आज ही एक वीडियो हम खंड काव्य पर लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा आज ही। उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है और कौन से खंड काव्य में कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ लेना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप तैयार कर लेंगे, तो 7 का भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, वो भी आप सरल करेंगे, ठीक है, ध्यान समझते चलिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को आप तैयार करिए खंड काव्य से। इसके बाद बच्चों आपका ये समाप्त हो जाता है, अब शुरू हो जाता है खंड ख, ठीक है। अब इसी तरीके से हाई स्कूल वाले बच्चों में भी आपका हिंदी संस्कृत से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के कम में आपसे क्या पूछा है, गद्यांशों का हिंदी संस्कृत से संदर्भ से हिंदी में आपको अनुवाद करना है, पांडु 7 नंबर यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान सुनिए, इस पर भी हिंदी संस्कृत गद्यांश हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और पूरे बुक का हमने महत्वपूर्ण गद्यांश बता दिया है, वह आपको एक बार पढ़कर तैयार कर लेनी, वही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा, 8 वाले नंबर को आपका तैयार हो जाएगा। अगर नहीं आता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम वीडियो का लिंक भेज देंगे, आप सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे सभी बच्चे, हाई स्कूल और 12-10 वाले बच्चे ध्यान सुनेंगे कि आपको प्रत्येक पेपर के हिसाब से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के तरीके से आप तैयार करते हुए जाएंगे, 2 दिन में आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये ख में है, ख में आपसे क्या एक श्लोक दिया रहेगा, उसका संस्कृत में संदर्भ से हिंदी में अनुवाद पूछेगा। भाई इस पर भी हमने 14 ही हमने महत्वपूर्ण जो है आपके श्लोक का हिंदी में अनुवाद बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको देखिए, उस वीडियो को देखिए ना, बस ज्यादा समय इस पर व्यतीत करने की जरूरत नहीं, 7 अंक आपका क्लियर हो जाएगा, ये भी 7 अंक आपका बिल्कुल क्लियर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हाई स्कूल वाले बच्चे भी अगर बात करें हाई स्कूल वाले बच्चों का, तो हाई स्कूल वाले बच्चे जो है 2018 से लेकर के 22 तक जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिख जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 4-4, 5-5, 7-7 साल रिपीटेड है, उसको आपको श्लोक और ये संस्कृत गद्यांश को तैयार कर लेना है, अब वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया। 9 की तरफ बढ़ते तो 9 आपके क्या है, लोकोक्तियां मुहावरा। तो लोकोक्तियां मुहावरे पर हमने अभी वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन आप सभी को बता देते हैं 2018 से लेकर के या 17 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि 4 देगा, देख सकते हैं 4 देगा, एक ही आपको करना है, एक आप कर लेंगे, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद और सही विकल्प का चयन करना है। इस वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से लेकर के 2017 या 18 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है, और ये बहुविकल्पी है, ठीक है। तो बहुविकल्पी आप कर पाएंगे, ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप उसमें बहुविकल्पी को टिक मारिए, आपका क्लियर हो जाएगा। खबर बच्चों इसी तरीके से आपको 2017-18 से 22 तक के क्वेश्चन को आपको देख लेना, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया आप सभी को कि 2 दिन में आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको तैयार करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के क ख में क्या पूछेगा वो क्वेश्चन बैंक में जाइए उसको पढ़िए और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, आपका ये भी क्लियर टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 शुरू हो जाता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन करें, ये भी बहुविकल्पी पूछा जाएगा। तो आप हिंदी व्याकरण में जाइए और इसका सभी का अर्थ जो है बहुविकल्पी में दिया हुआ है उसको आप तैयार कर लीजिएगा और बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही आपको पढ़ लेना, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ख में भी वही काम कर लेना और ग में भी आपको उसी तरीके से काम कर लेना, यह सब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसके बाद घ में भी वही काम करना, ये शुद्ध करके लिखना है वाक्यों को, आप 2-4 दृष्टि आप देखेंगे लिखना सीखेंगे आप लिख पाएंगे। अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 11 तक भी आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 में आपसे वीर हास का लक्षण उदाहरण अलंकार आपसे पूछेगा और आपसे छंद यहाँ पर पूछेगा, तो ये क्वेश्चन कंपलसरी आते ही आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में तीनों जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसी तरीके से हाई स्कूल वाले बच्चे भी आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है अपना तैयार करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे देख सकते हैं, हमने आपको इस पर भी वेरी इंपॉर्टेंट जो निबंध लेखन हमने सॉरी पत्र लेखन हमने बताया हुआ है। ये वीडियो जो बच्चे नहीं देखे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम लिंक भेज देंगे वीडियो का, आप देख लीजिएगा, आपको लिखना भी आ जाएगा, आप कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 इस पर भी हमने वेरी इंपॉर्टेंट जो है निबंध हमने बता दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और निबंध में हमने तरीका भी बता दिया किस तरीके से आपको लिखेंगे ताकि 9 में 9 अंक मिले, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसलिए उनको 5-6 नंबर ही मिलता है, कितना भी बढ़िया लिख दे। तो हमने भी एक वीडियो बनाया हुआ कि इसमें किस तरीके से नंबर दिया रहता है, 2+7 करके रहता है, 2 और नंबर आपके रूपरेखा पर रहता है, ठीक है, जो कि आप हेडिंग डालते हो उसको रूपरेखा में लिखना होता है, उस पर 2 अंक निर्भर और 7 अंक आपको निबंध लिखने के लिए दिया रहता है। तो ये बच्चे क्लियर नहीं कर पाते तो आप वीडियो मांग सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको भेज देंगे। तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा कि अब हमने आपको ये बताया कि क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको अब 2 दिन में तैयार करनी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, 2 में क्या 3 में 4 में 5 में 6 में 7 में 8 में 9 में 10 11 12 13 14 में क्या क्या पूछा जाएगा, उस टॉपिक को उस क्वेश्चन बैंक से आप देख लिए। अगर नहीं समझ में आता, अगर इंपॉर्टेंट चाहिए, अब हमें व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम आपको वीडियो का लिंक भेज देंगे, बिल्कुल आप देख लिख करके तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, अब कोई भी विषय दूसरा मत पढ़िएगा, सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है, तो 2 दिन आप किस पर देना, आपको हिंदी पर देना है, 2 दिन आपको सिर्फ हिंदी विषय पर देना है, ताकि हमारा हिंदी में सभी स्टूडेंट का यानी सभी स्टूडेंट का 90+ स्कोर आना चाहिए मात्र हिंदी में, ताकि अगर आपका केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायो में मैथ में थोड़ा बहुत कुछ गलतियां होती हैं तो हिंदी जो है अगर उसमें अच्छा स्कोर किए रहेंगे तो आप संभाल पाएंगे अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। और हिंदी में भी आपका गणित के तरह ही नंबर उठेगा अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। तो अब आपको क्या 2 दिन में आपको क्या करना है, 2 दिन में आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले छात्र ध्यान देंगे, अपना एक मॉडल पेपर उठाएंगे और मॉडल पेपर के आधार पर आप क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए, वही सेम पेपर पूछेगा, ठीक है। और उसी पेपर के हिसाब से आप क्वेश्चन बैंक में निकालिए, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए, उसको तैयार करना शुरू कर दीजिए और अगले दिन जाकर के अच्छे से छाप कर चले आइएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों हिंदी में किस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर देना है, आज हो सकता है या कल सुबह में एक मॉर्निंग में एक वीडियो हम बना करके अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा, और बिल्कुल उसी तरीके से जाकर के आपको पेपर देना है और आपका नंबर बहुत ही शानदार तरीके से आएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी जो है शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चों तक पहुँचा दीजिए, ताकि जो बच्चे अभी तक अच्छे से पढ़े नहीं तो कम से कम इस तरीके से जो है आप पढ़ पाए, ठीक है। और पढ़ना क्या है आपको, हमने आपको बता दिया कि 2018 से लेकर के 2022 तक ही क्वेश्चन को आपको तैयार करनी है, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल वो रिपीट करता है, जैसे खंड काव्य होगा, कहानी हो गया, ये सब अक्सर रिपीट करता है, अब अलंकार हो गया, छंद हो गया, ये सब चीज़ें क्या रिपीट करती है हर साल, ठीक है। गद्यांश पद्यांश हमने आपको इंपॉर्टेंट बता ही दिया है, वो रिपीट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप कम समय में 2 दिन बिल्कुल आराम से हिंदी को तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक जो बच्चे चैनल पर आए हुए हैं तो आप सब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके और साथ में दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िएगा, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर एक बार आप लोग वीडियो को एंड करते करते आप लोग एक बार अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।